सो हे एवरी वन, हाई स्मेल वेन हेयर, आई होप यू गाइस आर इन गुड। सो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप डायनामिक मूव्स इतने अच्छे करते हो, आप फ्रंट लीवर मारते हो, बैक लीवर मारते हो, थोड़ा हमें भी सिखाओ। सो ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें आप सारे मूव्स बहुत ही ईजी वे में सीख सकते हो। ओके, सो इन सभी को सीखने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको अपना फाउंडेशन आपका बेसिक वो बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपका पुलअप्स हो गया, पुशअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गए, डिप्स हो गए, आपके को वर्कआउट्स हो गए, अगर आप इन सभी को मास्टर करोगे तो जो आपके बाकी जो स्किल्स है आप उसको एक इजी वे में सीख सकते हो। ओके, सो बिना किसी समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है पुलअप। सो देखते हैं इसको परफॉर्म कैसे करना है आपको। सो फर्स्ट आपको बार को ग्रैप करना है स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर लेवल। ओके, यू कैन कीप अ लेग स्ट्रेट, अदरवाइज अपने नीज को बेंड कर सकते हो। ओके, देन पुल अप, गो चिन ओवर द बार एंड ऑल द वे कम डाउन, एक्सटेंड एल्बोज कम्प्लीटली। आप इसके 5 reps कर सकते हो या फिर इसको 5x5 लाइक 5 reps ऑफ 5 sets कर सकते हो। और अगर जिन लोगों को पुलअप नहीं आता तो आई हैव वन थिंग फॉर यू ऑल, तो इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस बैंड। अपने लेवल के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर हमारे पास पर्पल है, रेड है एंड ब्लैक वन है, सो आप जो क्या कर सकते हो, आप इसको डाउन करके अपने लेग्स को इसमें हुक कीजिए। ओके, देन बार को ग्रैब कीजिए एंड देन यू कैन डू पुल अप्स लाइक दैट। और आप इसमें और एक ऐड कर सकते हो, आई कॉल इट जंप इसेंट्रिक, आल्सो आइसोमेट्रिक आउट से। आपको क्या करना है, जिनको पुल अप नहीं आता प्रॉपर तरीके से, आपको फिर से बार को ग्रैब करना है, आपको जंप करना है 3, 2, 1 जंप, आपको होल्ड करना है फॉर एटलीस्ट फॉर 3 seconds, देन इसेंट्रिक स्लो डाउन 3, 2, 1। आप इसको लाइक 5x5 कर सकते हो एंड आप बैंड का यूज कर सकते हो। तो हमारा सेकेंड एलिमेंट होने वाला है पुशअप। सो लेट्स गो, फॉर्म चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस योर पाम्स ऑन द ग्राउंड, ओके, लेग्स बैक, लेग्स टुगेदर, बॉडी को आर्च नहीं करना, ना ही हॉलो करना है। मेक श्योर योर रीस्ट, एल्बो, शोल्डर आर इन वन लाइन। ओके, सो गो डाउन, हिट 90 विद द शोल्डर एंड अप। ओके, सो आप इसको 5x5 लाइक 5 reps ऑफ 5 sets कर सकते हो। अगर आपका पुशअप बहुत ही अच्छा है सो आप उसमें कुछ एक्सप्लोजिव मूवमेंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऑफ द ग्राउंड लाइक दैट, आप जाओगे नीचे देन एक्सप्लोड हैंड्स ऑफ द ग्राउंड लाइक दिस, और यू कैन ऐड इन क्लैप लाइक दैट, लुक एट मी, यू कैन ऐड क्लैप। सो ये सारी चीज़ें आप अपने पुशअप्स में ऐड कर सकते हो और अपने पुशअप्स को और भी बेहतर बना सकते हो। सो हमारा थर्ड एलिमेंट होने वाला है स्क्वाट। सो लेट्स चेक द फॉर्म गाइस। सो फर्स्ट आपको जो नॉर्मली लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि स्क्वाट्स में स्टांस कितना लेना होता है, सो आई प्रीफर मोस्टली ऑन माय शोल्डर लेवल, सो दिस माय शोल्डर लेवल बाय द वे राइट नाउ, सो आई प्रीफर दैट। देन आपके टोस को थोड़ा सा वाइड करना है फॉर द मोर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, देन चेस्ट अप, लो बैक स्ट्रेट, गो ऑल द वे डाउन एंड अप। ओके, गो ऑल द वे डाउन एंड अप। अगर आपको लाइक स्क्वाट्स नहीं आता तो आप एक असिस्टेड स्क्वाट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम हियर, सो आई एम ग्रैबिंग दिस बार। अगर आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो अपने घर पे, ग्रैब द बार, टेक द स्टांस, टेक द सपोर्ट, गो ऑल द वे डाउन एंड अप। ओके, गो ऑल द वे डाउन एंड अप। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्क्वाट बहुत ही अच्छा है, आपके लेग मूवमेंट्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, तो आप इसमें कुछ प्लायोमेट्रिक्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि जंप स्क्वाट्स हो गए, लुक एट मी वन मोर, सो गो ऑल द वे डाउन, जंप एंड डाउन, जंप एंड डाउन, जंप एंड डाउन, ओके लाइक दैट। और आपको चाहिए कि अगर आपको चाहते हो कि आपको मोर स्ट्रेंथ चाहिए इसमें, तो आप उसमें वेट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप जिम में जाके पावर केज में जाके बारबल से आप वेट भी लिफ्ट कर सकते हो। लेग्स में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं तो मैंने अभी फिलहाल ये चूज़ किया है, और बाकी के मूवमेंट जो है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बताऊँगा। सो हमारा फोर्थ एलिमेंट होने वाला है पैरेलल बार डिप्स, और यू कैन से डबल बार डिप्स। सो लेट्स गो, फॉर्म चेक करते हैं कैसे करना है इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बार को ग्रैब करना है, ओके, आपको जंप करना है, देन लुक एट माई शोल्डर, दिस कॉल एलिवेशन एंड दिस कॉल डिप्रेशन। जब भी आप पैरल बार डिप मारोगे आपके शोल्डर मोस्टली डिप्रेशन में होने चाहिए। ओके, एलिवेशन नो, डिप्रेशन यस, देन अवॉइड बेंडिंग योर नीज, क्रॉसिंग योर लेग्स, कीप स्ट्रेट, ओके ऑल टाइम, गो ऑल द वे डाउन, हिट 90 विद द शोल्डर एंड अप। ओके, गो डाउन, हिट 90 विद द शोल्डर एंड अप। सो आप इसके 5x5 लाइक 5 reps ऑफ 5 sets कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका डिप्स बहुत ही अच्छा है तो आप उसमें वेट्स भी ऐड कर सकते हो, और उन लोगों के लिए जो लोग डिप्स नहीं मार सकते, सो आई हैव वन थिंग फॉर यू गाइस, वी कॉल इट बेंच डिप। आपको करना क्या है, फर्स्ट सिट डाउन, अगर आपके घर में सोफा है, कोई बेंच है, कोई कुछ भी है, सो आप उसका यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ग्रैब द बार ऑन हिप लेवल, आपको ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना, ज़्यादा क्लोज नहीं पकड़ना, आपके हिप लेवल पकड़ना है। देन लेग्स फॉरवर्ड, नीज एंड टोज टूगेदर,
chest up, lower back straight, toes in the air, go down, hit 90 with the shoulder and up, down and up. अगर आप इसको थोड़ा और hard भी करना चाहते हो तो you can go slow down, hold and slow up. So what we can do, eccentric, 3, 2, 1, then isometric, hold for 3, 2, 1, then concentric, 3, 2, 1, like that. So ये थे आपके कुछ basics जैसे कि pull-ups, push-ups, squats, dips. आप इन सभी चीज़ों को master कर सकते हो. इन सभी चीज़ों को मास्टर करने के बाद आपको जो भी स्किल्स अनलॉक करना है, जैसे कि इन डायनामिक्स में 360, 540, इन स्टैटिक्स में जैसे कि फ्रंट लीवर्स हो गए, बैक लीवर्स हो गए, आप इन सभी चीज़ों को मास्टर कर सकते हो. ये जो बेसिक्स हैं आपको उन सभी चीज़ों को अनलॉक करने में हेल्प करेंगी. तो तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का प्लीज़ वेट कीजिए. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ बी सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.